नाउ पेज नंबर 49 फॉरेस्ट. फॉरेस्ट माने होते हैं वन. फॉरेस्ट हैज लार्ज एरिया दैट कंटेन वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट. फॉरेस्ट क्या होता है, जो वन है ना, वन क्या एक बड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ और क्या होते हैं अन्य पौधे होते हैं. ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट. बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कौन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस इन द फॉरेस्ट. ठीक है, अलग अलग जानवर जो हैं अलग अलग स्थानों पे रहते हैं. कहाँ पे है ना, जंगल में, वन में अलग अलग जगह रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर लिव्स इन केव और डेन. कहाँ रहते हैं, दिखाई दे रहा है, ये केव में रहते हैं लायन और ठीक है. बर्ड्स एंड मंकी ऑन ट्रीज. बर्ड्स और मंकी कहाँ रहते हैं, ये ट्री में रहते हैं. स्नेक्स इन होल्स एंड रैबिट इन ब्यूरो. रैबिट कहाँ रहता है, अपने बिल में रहता है. और सांप भी अपने बिल में रहता है. नेक्स्ट डेजर्ट. डेजर्ट माने होते हैं रेगिस्तान. इज सैंडीलैंड एरिया दैट डू नॉट हैव सफिशियंट वाटर सोर्स और ग्रीन वेजिटेशन आर कॉल्ड डेजर्ट. ये क्या होती है, ये एक रेतीली भूमि वाले क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता, पानी नहीं होता है. ठीक है, और ना ही वहाँ हरी हरी वनस्पतियाँ भी नहीं होती हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है. डेजर्ट आर यूजली हॉट एंड ड्राई प्लेसेस. क्या होती हैं डेजर्ट, क्या होती है, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा गर्म और शुष्क होते हैं. ठीक है, ड्राई प्लेस होते हैं. वाटर इज हार्डली फाउंड इन डेजर्ट. बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे पानी मिलता है. ड्यूरिंग द डे द डेजर्ट आर हॉट, है ना, दिन के समय क्या हो जाती है, डेजर्ट रेगिस्तान गर्म हो जाता है, जबकि रात में ये ठंडा हो जाता है. डेजर्ट एनिमल हैव सम स्पेशल बॉडी फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव देयर. क्या कहते हैं, यहाँ पे की जो यहाँ के जो डेजर्ट के जो एनिमल होते हैं रेगिस्तानी एनिमल, उनमें अलग तरह की विशेषताएं होती हैं जो कि उनको वहाँ रहने में मदद करते हैं. सम ऑफ देम ब्यूरे देम सेल्फ अंडर द ग्राउंड ड्यूरिंग द डे टू कीप कूल. ठीक है, कुछ एनिमल क्या चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं दिन के समय अपने आप को ठंडा रखने के लिए. सम हैव थिक स्किन टू सेव वाटर. और कईयों की मोटी स्किन होती है जिससे कि पानी की बचत हो जाती है. ए कैमल स्टोर फैट इन द हम्प एंड यूज इट्स एज फूड व्हेन वी नीड इट. ठीक है, कैमल का क्या होता है, हम्प होता है, यहाँ पे फैट खट्टा होता है, नहीं खाना खट्टा होता है, जब उसको जरूरत होती है तो वो यहीं से ले लेता है. इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. ये बिना पानी और खाने के बहुत लंबे समय तक रह सकता है. ठीक है, जीवित रह सकता है. लॉन्ग लेग्स ऑफ कैमल हेल्प इट टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. इसकी जो लंबे लंबे पैर होते हैं, जो सैंड की जो हीट गर्मी आती है ना, ठीक है, रेतीली जो गर्मी होती है उससे ये इसको बचाता है. इट्स लॉन्ग आई लैशेज प्रोटेक्ट इट्स आई फ्रॉम सैंड. इसकी जो आँखों की जो पलके होती है ना, ठीक है, आँखों में, वो उसको आँखों की पलके आँखों को बचाती हैं. किससे बचाती हैं, जो वहाँ पे जो उड़ रही होती है धूल ना, जो वहाँ पे रेत उड़ रही होती है उससे आई लैशेज उसकी आँखों को बचाते हैं. नेक्स्ट पोलर रीजन एंड हाई माउंटेन्स. माने होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र और ऊंचे ऊंचे पहाड़. पोलर रीजन एंड हाई माउंटेन आर वेरी कोल्ड प्लेसेस. कैसे होते हैं, बहुत ही ठंडे होते हैं. दे आर कवर्ड विद स्नो. ये बर्फ से ढके होते हैं. पोलर बियर सील्स एंड पेंगविन आर फाउंड इन द पोलर रीजन. इसमें कि यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, पोलर बियर हो गए, ठीक है, शील हो गए, पेंगविन यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, ठंडे स्थानों में दे आर एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि इनको ठंड से बचाते हैं. दे हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन दैट कीप्स. ठीक है, इनकी जो स्किन के नीचे क्या होते हैं, बहुत ही मोटी परत होती है. किसकी, फैट की परत होती है. ठीक है, वसा की परत होती है जो इन्हें किसी परत जो उन्हें क्या करती है, गर्म रखती है. ठीक है, सम ऑफ देम ऑल्सो हैव ए थिक फर. और कुछ के क्या होते हैं, मोटे मोटे फर भी होते हैं. बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन सच एज पेंगविन एंड पेट्रमाइंस हैव थिक एंड डेंस फीचर्स ऑन देयर बॉडीज. ये क्या बोल रहे हैं, इसमें से कुछ के जो मोटे मोटे फर होते हैं, और पेंगविन और पेट्रामाइंस जो होते हैं, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जो पक्षी होते हैं ना, उनके शरीर पर क्या होते हैं, मोटे मोटे और घने घने क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, जो कि उनको ठंड से बचाते हैं. नेक्स्ट ओशन जो होते हैं, महासागर होते हैं. ओशन आर द लार्जेस्ट हैबिटेट्स ऑन द अर्थ. ये क्या बताए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या है, निवास स्थान क्या है, ओशन ही है. ठीक है, और ये बोलते हैं ए लार्ज वेराइटी ऑफ फिशेज आर फाउंड इन द ओशन. बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे क्या पाई जाती है, मछलियाँ पाई जाती हैं. ब्लू वेल, ऑक्टोपस, शार्क एक्स्ट्रा, है ना, ये सभी क्या होते हैं, आर ऑल्सो फाउंड देयर. यहाँ पर ही
यहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सब ओशन में पाई जाती है। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर बॉडीज। फ्रेश वाटर बॉडीज कौन सी होती हैं? रिवर, लेक्स, पॉन्ड एक्सेट्रा आर फ्रेश वाटर बॉडीज। ठीक है, ये सारी क्या होती है? फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं। फिशेस, फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर लिव्स इन फ्रेश वाटर। जो फिश होती हैं, फ्रॉग होता है और जो सैलामेंडर होता है, ये ज़्यादातर ताजे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, फिश एंड फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर। देखो, फिश और सैलामेंडर ये जमीन पर भी रहता है और कहाँ पे रहता है? पानी पर भी रहता है। ठीक है, दैट इज वाई, इसीलिए दे आर कॉल्ड एम्फीबियन। इसीलिए ये क्या कहे जाते हैं? ये दोनों एम्फीबियन कहे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल डू दीज क्वेश्चन योर सेल्फ। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीक।